नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है और यह भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा सातवां अध्याय है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में ये हमारी तीसरी कक्षा है। पिछले की कक्षाओं में हमने आर्टिकल 21 तक बात किया। आर्टिकल 21 में ही हमें 86वां संविधान संशोधन जो कहता है, जो 2002 में हुआ था, उसमें यह बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको अनवरत और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का राज्य का दायित्व होगा और ऐसे नियम विधि कानून बनाएगा। अब हमारा है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 22, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह के होते हैं। यह जो हमारा अनुच्छेद है वो क्या कहता है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो गिरफ्तारी दो तरीके के होता है, हिरासत, हिरासत मतलब जेल, हिरासत में लेना। हिरासत दो तरीके का हो सकता है, एक दंड विषयक और एक निवारक। अब जो हमारा अनुच्छेद 22 है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण जो प्रदान करता है, उसके दो पार्ट है। पहला भाग है साधारण कानूनों का मामला और दूसरा निवारक हिरासत के मामले। जो यह हमारा पहला भाग है उसमें ये है कि उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है उसके निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध है। जो व्यक्ति साधारण हिरासत में लिया जाता है उसके अधिकार है, वो अधिकार क्या क्या है कि गिरफ्तार करने का आधार सूचना देने का अधिकार है, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, मतलब आप अपना वकील रख सकते हैं, सूचना आपको या मिलेगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, जो मजिस्ट्रेट है के समक्ष 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार है, मतलब हम 24 घंटे में जो अगर गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति को तो 24 घंटे के अंदर कहां पे मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा, उसमें यात्रा का भी समय शामिल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो वो समय कितने देर का होता है, 24 घंटे का। तो क्या उस 24 घंटे में यात्रा का भी समय शामिल है? हाँ, उसमें यात्रा का भी समय शामिल है, यहाँ पे लिखा है। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार उसको प्राप्त है। अगर दंडाधिकारी को यह मालूम हो गया कि इसकी गिरफ्तारी सही तरीके से नहीं हुई है तो 24 घंटे के अंदर ही उसको क्या कर देगा, छूट दे देगी, निरोध मिल जाएगा। अब अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। दो तरीके की गिरफ्तारी होती है, एक जैसे आपको गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरी गिरफ्तारी ये होती है कि आपको, आप पर कोई मुकदमा चला और उसमें सजा हुई तो आपको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो वो दूसरे तरीके की बात कर रहा है कि दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है। पूछता है कि अनुच्छेद 22 में जो दंड कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या वे अधिकार केवल भारतीयों को मिले हैं या भारतीय और विदेशियों दोनों को मिले हैं या केवल विदेशियों को मिले हैं? तो नहीं, जो अनुच्छेद 22 के तहत उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है उन्हें, इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति होंगे जो नागरिक भी होंगे और विदेशी भी होंगे, उनके अधिकार है। आइए उनके अधिकार को हम देखेंगे। ये जो पहला स्टेटमेंट है 3 माह वाला, ये कई बार पीसीएस में स्टेटमेंट में पूछा है, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। जो हिरासत है उसको 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। निरोध के आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। जहां पे सार्वजनिक हितों का उल्लंघन हो रहा है, सार्वजनिक हित का उससे संबंध है, उसमें यह बताना आवश्यक नहीं है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। आगे, निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। जो उसे दंड मिला है तो निचली अदालत ने अगर दंड दिया है तो ऊपरी अदालत में जाए अपने उस दंड के खिलाफ, यही बात कह रहा है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार
में अनुच्छेद 23 और 24 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको बार बार पूछा जाता है। जितनी चीजें इस बोर्ड पे है वो बार बार पूछे जाने वाली है, इसलिए आपको बताया गया है। यह जो हमारी कक्षाएं हैं, एम लक्ष्मीकांत की किताब जो भारतीय राज्य व्यवस्था की आती है, राजेश मिश्रा सर की किताब जो भारतीय राज्य व्यवस्था की आती है, वाणी पब्लिकेशन की आती है, और इसके बाद घटना चक्र और पुराने जो जो पेपर आए हैं जिस चैप्टर से मिला के उनको संग्रहित करके यह हमारी कक्षा होती है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला अधिकार है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। बलात्श्रम मतलब किसी व्यक्ति को आप बंधक बनाकर उससे काम नहीं ले सकते, वही बलात्श्रम होता है। मानव दुर्व्यापार मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को खरीद के और उनको बेच दिया जाए, मानव का दुर्व्यापार होगा। तो अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। इस तरीके के जितने प्रकारों के जो श्रम होंगे उन पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिकार नागरिक व गैर नागरिक दोनों पर लागू होता है। किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब राज्य के खिलाफ ही नहीं, व्यक्ति के खिलाफ भी, कोई दबंग है या कोई उस तरीके का व्यक्ति है उसके खिलाफ भी यह क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दुर्व्यापार जो शब्द है मानव का, उसमें क्या क्या शामिल है ये भी पूछा जाता है। पुरुष महिला एवं बच्चों के समान खरीद बिक्री, पुरुष महिला एवं बच्चों को समान की भांति खरीद बिक्री होगा, यह मानव दुर्व्यापार में शामिल है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वैश्यावृत्ति भी शामिल है। देवदासी और दास, इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया है। दुर्व्यापार नहीं, दुर्व्यापार। दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया है। अब आगे इसमें देखते हैं क्या है। इस संबंध में बधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए हैं। बलात्श्रम वाला जो अनुच्छेद है हमारा, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध अनुच्छेद 23, उस पर ये 3-4 कानून बनाए गए हैं, यह बार बार पूछता है। अगला है जो हमारा 24वां आर्टिकल नंबर 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। मतलब कारखानों में हम किस प्रकार के बालकों के नियोजन का प्रसिद्ध करेंगे, आइए पूरी बातों को हम देखते हैं। कारखानों आदि में, किसी फैक्ट्री में, खान में अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रसिद्ध करता है, लेकिन यह प्रसिद्ध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रसिद्ध नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वह 14 साल से कम का बच्चा है, अपने स्कूल में झाड़ू लगा दिया तो वह इसके अंतर्गत आएगा, इस श्रम के अंतर्गत आएगा, कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का निषेध इसके तहत नहीं आएगा। ऐसे कार्यों पर रोक लगाया गया है जो उसके स्वास्थ्य पर, उसकी शिक्षा पर, उसकी व्यवस्था पर, उसकी सामाजिक निष्ठा पर, उसके विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास पर प्रतिघात पहुंचाते हैं, ऐसे चीजों का हमारा संविधान प्रतिषेध करता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1988, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, नहीं क्षमा चाहेंगे, ये 1938 ही है, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बागान श्रम अधिनियम 1951, बीड़ी तथा सिगार बीड़ी और सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, अन्य अधिनियमित निश्चित आयु के कम बालकों को नियोजन के प्रति निषेध करता है। इतने प्रकार के कानून है जो इस प्रकार के बालकों के नियोजन का निषेध करते हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की। यह भी पूछा जाता है कि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना कब की गई थी, तो 1996 में। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देखिएगा। इसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के सुधार के लिए निर्देश दिए गए। अब आगे है बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग है और राज्य आयोग की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराध अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियम किया गया है। ये चीजें हैं कि बालकों के अधिकार, उनका अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है
उनके लिए ये सब सारी बातें हुई हैं। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकर के रूप में काम करने अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियोजन पर रोक लगा दी। अब 2006 में मामला आया, उसमें सरकार का यहां संबंध भारत सरकार से है, सरकार से संबंध यहां पे भारत सरकार से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, ने बच्चों के घरेलू नौकर, जैसे कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को घरेलू नौकर के तौर पे रखते हैं, उनसे कठिन कठिन काम लेते हैं अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नियोजन पर रोक लगा दी। या आप देखे होंगे व्यवसायिक प्रतिष्ठान, आपका माल हो गया, चाय की दुकानों पर सबसे ज्यादा छोटे बच्चे आपको मिल जाएंगे काम करते हुए, होटलों पर मिल जाएंगे, लाइन होटल पे, ढाबे पर मिल जाएंगे, रेस्तरा में भी इस प्रकार की चीजें हैं। तो सरकार ने 2006 में इस पर रोक लगा दी। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 हमारा क्या कहता है कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया है। दो प्रश्न इसमें है कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986, किससे इसको संशोधित कर दिया गया है, तो बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 से कर दिया गया है। संशोधन अधिनियम ने उल्लंघन करने वालों को कड़े दंड का प्रावधान, 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना, अपराध दोहराए जाने पर कैद की अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष होगी। इसका मतलब एक बार पकड़ लिया गया तो इतना सजा हुआ, फिर दोबारा वह काम कर रहे हैं तो सजा क्या हो जाएगी, 6 महीने से 1 साल हो जाएगी और 1 साल से 3 साल हो जाएगी। ये 6 महीने से 1 साल और 2 से 3 साल हो जाएगी। अब अगला हमारा आर्टिकल है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का समान अधिकार है। इसका मतलब क्या है, हम अपने धर्म को अबाध रूप से मानते हैं, वैसा ही आचरण कर सकते हैं जैसा हमारा धर्म है, इस प्रकार की स्वतंत्रता मुझे प्राप्त है। वह स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मुझे मिली है। अब इसके क्या क्या प्रभाव है, इसमें जो जो टर्मोलॉजी है, अंतःकरण क्या है, इन सब चीजों को आइए देखते हैं। इसके प्रभाव है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार, प्रसार का अधिकार, एक एक चीजों को देखते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब जो हमारा धर्म है उसको हम आत्मसात करते हुए आत्मसात कर सकते हैं, अपने अंतः मन में उसको बसा के उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, यही है अंतःकरण। मानने का अधिकार, जो भी हमारा धर्म है, हमारा धर्म हिंदू है, किसी का ईसाई होगा, किसी का मुस्लिम धर्म होगा, जो जो ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जो भी है, मानने का अधिकार है, उसके अनुसार आप आचरण कर सकते हैं, उस अपने धर्म को प्रसारित भी कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं और लोगों के बीच बता भी सकते हैं। आप देखे होंगे, आप यहीं जाते हैं तो बाइबिल, एक जो ईसाई लोग हैं उनकी धर्म पुस्तक है बाइबिल, आप कहीं भी देखेंगे कि सफेद सफेद पहने महिला पुरुष उस किताब का प्रसार करते हैं, और कई तरीके की किताबें हैं जो आती हैं जो धर्म को प्रचारित करने के काम करती है, उसी की बात कर रहा है। अब हमारा इसमें दूसरा अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता क्या है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। अब जैसे हमारा हिंदू धर्म है तो धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, आप देखे होंगे गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था की जाती है, उसी की बात कर रहा है। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, हमारे धर्म विषय जो कार्यक्रम है, हमें प्रवचन देना है, कथा सुनाना है, कथा कहना है, इनके प्रबंध की व्यवस्था, संगम और स्थावर, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। जैसे हमने एक मंदिर बना लिया, मंदिर का ट्रस्ट है, उस पर प्रशासन करने का अधिकार मुझे हमारा संविधान देता है, संविधान का अनुच्छेद 26 देता है। अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति के को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में
जिसकी सरकार है, जिस धर्म के मानने वालों की सरकार है, वो ऐसा नहीं करेगा कि किसी व्यक्ति पर कर लगा देगा कि हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए, प्रसारित करने के लिए, अभिवृद्धि करने के लिए आपको इतना कर देना आवश्यक है। उसी की ये बात कर रहा है हमारा अनुच्छेद 27। अब धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है इसके बारे में हम देखते हैं। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी राज्य द्वारा पोषित जो संस्थान होगा उसमें। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन इसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हो। ऐसा नहीं है कि जो मदरसा है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो शिशु मंदिर है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो गुरुद्वारों के स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो क्रिश्चियनों के स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा दी जाएगी कब? जब उस धर्म के द्वारा वह विद्यालय स्थापित होगा, भले ही राज्य का नियंत्रण हो। अब अनुच्छेद 28 चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है। ऐसी संस्था जिनका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है, यह पहले प्रकार की संस्था है। ऐसा संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास के द्वारा हुई है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, और ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। चार प्रकार की जो संस्थाएं हैं उसमें क्या करता है अनुच्छेद 28 विभेद करता है। विभेद मतलब अंतर करता है। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी उपबंध क्या है हमारा अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि 29 यह उपबंध करता है अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान में धर्म जाति भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। मतलब अगर मैं केरल का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में आकर शिक्षा ग्रहण कर सकता हूं तो हमें इस विद्यालय में इसलिए प्रवेश से नहीं रोका जाएगा कि हमारी भाषा अलग है, हमारा लिंग अलग है, हमारी जाति अलग है। वही बात कर रहा है अनुच्छेद 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हमें संस्कृति और अपनी शिक्षा लेने का अधिकार है संपूर्ण भारत में। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की भी सुरक्षा प्रदान करता है। धार्मिक अल्पसंख्यक क्या है जैसे ईसाई है, मुस्लिम है, धार्मिक अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक क्या है जैसे मंडारिन भाषा के बोलने वाले जो चीन में बोली जाती है उसके कम लोग होंगे, तो जैपनीज बोलने वाले अगर भारत में रह रहे तो वो क्या है भाषाई अल्पसंख्यक क्योंकि बहुत कम लोग ही होंगे। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 कहता है। अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त करता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का क्या क्या अधिकार है वो उस अधिकार को आइए पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अल्पसंख्यक सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे कोई जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हो उनको अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उन पर प्रशासन करने का अधिकार है। हमारा अनुच्छेद 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान खोल सकता है और प्रशासन उस पर कर सकता है। राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था के किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके प्रत्याभूत अधिकार निर्भर या निराकृत नहीं होंगे। इसका उपबंध 1978 के 44वें संशोधन द्वारा किया गया था। इस अधिनियम में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निराशित कर दिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो संपत्ति का अधिकार था पहले हमारा मूल अधिकार था, मूल अधिकार 7 थे जब हमारा संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया, मूल अधिकार वाले चैप्टर को रखा गया, तो मूल अधिकार 7 थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क में स्थान दे दिया गया। उसी की ये बात कर रहा है। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। आगे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान, ऐसे दूसरा ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं
लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, और तीसरा ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता में ही नहीं होते हैं, प्राइवेट हो गए, एक राज्य से सहायता मिल गई लेकिन उनको आर्थिक मदद नहीं मिलती है, दूसरा राज्य से सहायता भी है और आर्थिक मदद भी है। अब आगे की जो हमारी कक्षा होगी वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से लेकर अंत तक होगी, अनुच्छेद 32 यही है। यह हमारी मूल अधिकार की कक्षा थी, तीसरी कक्षा थी, एक कक्षा और हो जाएगी, चूंकि चैप्टर लंबा हो जा रहा है तो इंटरेस्ट आप लोगों का कम ना हो इसलिए पीडीएफ भी है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, नोट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम ही होगा 7081788388 पर लिखकर पीडीएफ अपना नाम कि किस क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपको तुरंत पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। आप अगर हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भी शेयर करें इस चैनल को और अपने कमेंट दें। अगर आप हमारे पुराने मित्र हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, तो कृपया इस चैनल को अपना चैनल समझकर और लोगों तक इसको विस्तारित करें। चलिए फिर अगली कक्षा में सुबह 7 बजे उपस्थित होते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में अगली कक्षा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को पढ़ते हैं, उसके बाद ऐसे ही यह हमारी कक्षा कंटिन्यू रहेगी। रात को 9:30 बजे हम त्वरित मुद्दों के साथ उपस्थित होते हैं, 5-10 मिनट की वीडियो होती है, वह आपको देखना चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए वो काफी मददगार होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।